नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दयाचंद डीसी फिटिप चैनल से। आज का जो वर्कआउट है ये है लोअर चेस्ट के लिए। जो स्टूडेंट काफ़ी टाइम से अपना चेस्ट के लिए वर्कआउट कर रहे हैं और उनकी चेस्ट लटकी हुई है, चेस्ट में चेंज नहीं आता, फैट बहुत ज़्यादा है, तो ये उस सब की कमी पूरी करने के लिए ये चेस्ट का बहुत ही अच्छा वर्कआउट है। जो कि अब हम स्टार्ट करते हैं। इसको करना किस तरीके से है ये आपको तरुण जी दिखा रहे हैं। और इसके जो हमारे जो डिक्लाइन है, डिक्लाइन बेंच है, इस पे आपको 20 रेपिटेशन डिक्लाइन बेंच के लेने हैं। किस तरीके से कर रहा है आप देख सकते हैं। ये 20 रेपिटेशन, अब 20 रेपिटेशन डंबल फ्लाई, यस, ये डंबल फ्लाई हमने जो है दूसरे तरीके से ही कर रहे हैं हम। इसमें क्या है, आपकी मूवमेंट 90% आपकी ठीक ही करोगे, और जो दूसरी मूवमेंट होती है उसमें क्या है, शोल्डर और आपका एल्बो पे इफेक्ट आता है, चेस्ट पे प्रॉपर ठीक तरीके से नहीं आ पाता है। तो ये डंबल फ्लाई जिसके रेपिटेशन 20 रेपिटेशन ही होंगे, यस, बढ़िया। पुलओवर करनी है, ट्वेंटी रेपिटेशन पुल ओवर के हैं। हाथ थोड़ा सीधा लाओ, सीधा करो, यस। और हमारा जो लोअर पार्ट है उसको हमने कोशिश करनी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा नीचे, उसको नीचे की तरफ झुका के रखें, जिससे कि आपकी चेस्ट पे और एब्स पे दोनों पे क्या है उसका इफेक्ट आए, स्ट्रेच हो ज़्यादा से ज़्यादा। ये जो आपके लिए जो आप पुलओवर कर रहे हैं ये क्या है, जो साइड चेस्ट पे जो फैट है उसके लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, ओब्लिक्स के लिए। और इस एक्सरसाइज का जो है हमेशा मेरा जो एक्सपीरियंस यही है कि इसके जो है रेपिटेशन आप 20 से कम कभी ना करें, क्योंकि इसके ये रेपिटेशन वर्क ही एक्सरसाइज है। अगर इसके रेपिटेशन आप ज़्यादा करेंगे तो इसका आपकी जो साइड चेस्ट है, लोअर चेस्ट है, उस पर इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा। अब इसके 15 रेपिटेशन करने हैं, हमारे 20 20 हो चुके हैं, अब इसके 15 रेप लेने हैं, यस, बहुत बढ़िया। थोड़ा चेस्ट चेस्ट के नीचे लो आप, यस, गर्दन के पास, यस, 15 रेपिटेशन, पंद्रह रेपिटेशन अब डंबल फ्लाई के होंगे। अब देख लीजिए डंबल फ्लाई किस तरीके से करना है। मैं ये नहीं कहता उस तरीके से मत करो जो जो तरीका हम शुरू से करते आ रहे हैं, आप थोड़ा चेंज करके देख सकते हैं, इससे भी आपको अच्छा इफेक्ट आएगा चेस्ट में। वर्क किसी से नहीं हो पाता ठीक से, यस, बहुत बढ़िया, यस। अब 15 पुलओवर, हाथ सीधा, कोहनियाँ सीधी रखें, यस, खींच के रखो, सीधा करो थोड़ा, कोहनियाँ सीधी, यस, बहुत
बहुत ही अच्छा वर्कआउट है ये लोअर चेस्ट के लिए, डिक्लाइन चेस्ट के लिए। ज़्यादातर ये जितने भी एक्सरसाइज करने वाले हैं 60-70% सभी बच्चों को इस चीज़ की दिक्कत होती है, लोअर चेस्ट जो कि ठीक नहीं हो पाती, फैट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये वर्कआउट ऐसा वर्कआउट है, आप इसको डेली 1 महीने तक करें और मेरे हिसाब से आप 5-7 दिन करेंगे तो 5-7 दिन में आपको वैसी चेंज दिखाई दे जाएगा। यस यस यस, बहुत बढ़िया, लास्ट सेट है ये, बस आपका करते चलो। यस ये आप जितना भी वर्कआउट आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ही अलग तरीके से हम करते हैं अपना वर्कआउट। ऐसा ही मैं करता हूँ, ऐसा ही अपने स्टूडेंट को कराता हूँ जो कि अलग है। हमें वो बिल्कुल ही आदत नहीं है कि 10 रेपिटेशन किए फिर 10 मिनट का रेस्ट लिया फिर किया फिर सेट किया, हमें बिल्कुल ही वो अच्छा नहीं लगता। वर्कआउट है वो बिगनर्स के लिए ठीक है, वो हमने किया है, लेकिन आप ये वर्कआउट करेंगे तो आपको अलग ही फील होगी वर्कआउट कैसे करते हैं। एक बार तो मैं कहूँगा जिसने कि नहीं किया ये वर्कआउट इसको ट्राई करके ज़रूर देखें, बिल्कुल ही अलग से पंप आएगा। और बाकी यार हमारे चैनल को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जिसने नहीं किया है उसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो ताकि आगे से आगे आपको सारी वीडियो देखने को मिले। ओके बाय, थैंक यू।